हमारे घर से तीन घर छोड़कर कॉर्नर का एक घर था, वो लोग पूरी फैमिली मिलकर रहती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो वहाँ एक बच्ची थी जिसके रिश्ते का बहुत मसला था। तो हर हफ्ते आयत करीमा होता या कुरान खानी होती और दुआ की जाती कि खुदाया कोई बच्ची के लिए रिश्ता भी दे। आखिरकार एक रिश्ता आ गया, लेकिन वो इंग्लैंड से था। जब इन्होंने इस्तखारा किया तो मालूम हुआ कि इस्तखारा ही नहीं निकल रहा, ना बच्ची का ना बच्ची के माँ बाप का। अब सख्त परेशान कि कोई रिश्ता तो है ही नहीं, एक ही रिश्ता ही आया है। अब बज़ाहिर तो ठीक लग रहे हैं मगर इस्तखारा नहीं आ रहा। तो जब हमसे बात की तो हमने उनसे कहा कि असल में, चूँकि वो लोग दीनदार थे, दीनदार लोग तो बिल्कुल थे और बहुत अच्छे लोग थे, और वो इस कदर खौफजदा हो गए कि ऐसा ना हो कि हम बच्चे की शादी करते तो कोई ऐसा बड़ा मिसहैप हो जाए, क्योंकि बाहर के मुल्क में हो सकता है जो जिससे शादी कर रहे हैं वही मर जाए या कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता वाकया हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि आपके पास कोई भी रिश्ता नहीं, बच्ची की भी एज ज़्यादा होती जा रही, तो आप ऐसा करें कि यहीं शादी कर दें, क्योंकि लड़की का माइंड जो है वो अभी पूरी तरह बना नहीं। अगर आप बच्ची को एक ऐसा आर्टिकल पढ़ाएं जिसको पढ़कर मैं अपनी शादी चला रही हूँ, और मुझे वो एक छोटी सी बुक है उसको मैं जगह जगह बांटती हूँ ताकि लोग अपनी शादियाँ खामखा ख़राब ना करें। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी मैरिटल लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज कैसे आया, तो मैं ये किताब निकालती हूँ जिसका नाम है कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी और उनको गिफ्ट कर देती हूँ। सैकड़ों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ से निकल गई हैं। होता ये है कि माइंडसेट बड़ा डिफरेंट होता है मैरिज से पहले और मैरिज के बाद, चूँकि हम रियलिटी की ज़िंदगी में आते हैं तो जिस माइंडसेट, आइडियल माइंडसेट के साथ हम ज़िंदगी शुरू करते हैं वो कामयाब नहीं होती और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो वो उनको ये बात इस कदर अपील की तो मैंने कहा देखिए पहले मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ के बता देती हूँ, अगर आपके दिल को लगे तो रिस्क ले लीजिए और बच्ची की शादी कर दीजिए। तो कहने लगे अच्छा पढ़ के बता दो। तो मैंने इस पेज, ये वाला पेज निकाला, आर्ट ऑफ फेलियर मैनेजमेंट, और उनसे कहा कि देखिए हर शादी नाकाम होने के लिए बनी है। एकदम से तो उनको बहुत झटका लगा, उतना ही झटका जितना मुझको लगा था ये आर्टिकल पढ़ के, कि हम तो शादी को बड़ी खुशी वाली चीज़ समझते हैं, यहाँ तो कुछ और ही है। तो इस आर्टिकल को हमने पढ़ के बताया और उसके बाद हमने उनसे यही कहा कि हकीकत ये है कि ये रिश्ता है या कोई और रिश्ता है एक ही जैसे होंगे, असल में आप अपनी बच्ची का माइंडसेट चेंज कीजिए। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 22-25 साल के करीब तो हो ही गए हैं उसकी शादी को, शी इज़ हैप्पीली मैरिड और उसके तीन बच्चे हैं और रहती वो इंग्लैंड में है, पैसे की उसको कुछ कमी नहीं, साल में एक दो मर्तबा फैमिली को विज़िट करने के लिए पाकिस्तान आ जाती है। तो आई थिंक कि ये जो आर्ट है ये ज़रूर बच्चियों को बताना चाहिए, और चूंकि हम सब लोग, हम बीइंग फीमेल, मैं पलट कर सोचूं तो मैं बहुत आइडियलिस्टिक थी मैरिज के मामले में, और उस आइडियल माइंड की वजह से जो रियलिटी थी उसके साथ मेरी एडजस्टमेंट में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, बट अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये आर्टिकल मिला, मुझे ये बुक मिली, और इसने ना सिर्फ मेरी बल्कि सैकड़ों औरतों की लाइफ को चेंज कर दिया। और इस किताब को मैं अपने घर में इतना बड़ा दर्जा देती हूँ कि ये 3-4 बुक्स घर में मुख्तलिफ जगहों पे रहती हैं ताकि मैं ज़िंदगी में कभी ना भूलूं कि मैरिज में जो असल चीज़ है वो क्या है और हम उसको क्या समझते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बुक की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जारी रहेगी और जारी है, और इस किताब को मैं ख़ुद पढ़ के बताती हूँ लोगों को ताकि वो, क्योंकि मैं आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट जो लड़कियां बड़ी अच्छी नेक शरीफ घराने से होती हैं कि वो किसी किस्म के फेलियर में ना चली जाएं, क्योंकि सिर्फ माइंडसेट का ही डिफरेंस है।